हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स की। सामने अपकमिंग कुछ ही मंथ में दिवाली आने वाली है और हम सब चाहते हैं कि दिवाली के टाइम में हमें अच्छा मुनाफा हो। आप सबको पता है दिवाली के टाइम में कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत अच्छा मुनाफा कमाती है, क्योंकि हमारे और आपके जैसे लोग कुछ नॉन एसेंशियल और एसेंशियल चीज़ों को खरीदारी करते हैं, उनको परचेज करते हैं और इससे कंपनी का मुनाफा बढ़ता है। कुछ भी हो, जैसे कि धनतेरस का टाइम होता है, धनतेरस में कुछ भी हो हम कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करते हैं। और वैसे ही जैसे कि पीछे बरसात गई है तो बरसातों में कई लोग क्या होता है, अपने घर की साफ़ सफाई या पेंट वगैरह नहीं करवाते हैं, लेकिन वही वो सोचते हैं कि बरसात के कुछ ही जाने के कुछ ही महीने के बाद दिवाली आने वाली है तो दिवाली में हम अपने घर को पेंट करवाएंगे। तो पेंट के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। कोई किसी का बेटा है, वो कहता है पापा मुझे दिवाली में बाइक चाहिए, कई लोग बाइक की ख़रीदारी करते हैं, कई लोग कार्स खरीदते हैं, कार के मुकाबले बाइक ज़्यादा परचेज होती हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स को मिला के मैं एक यहाँ पे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स आप सबके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा पिक होगा, मैं चलता हूँ आईटी सेक्टर की तरफ। आप देखिए आईटी सेक्टर की में भी बाइंग काफ़ी ज़बरदस्त आती है और आईटी सेक्टर में वैसे भी इस बार बाइंग रहने वाली है। आईटी सेक्टर से मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर्स से है, वैसे लैपटॉप्स वगैरह कंप्यूटर्स वगैरह की परचेजिंग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोबाइल की परचेजिंग होती है। दिवाली में नया ऑफर होता है, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे, अमेजोन पे ग्रेट मेगा फेस्टिवल कुछ भी होता है जो, तो कहीं ना कहीं मोबाइल की बिक्री सबसे ज़्यादा, मोबाइल की सेल सबसे ज़्यादा होती है। और मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं, दो कंपनीज मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एक HCL टेक है और एक विप्रो है। तो HCL टेक और विप्रो पे कहीं ना कहीं आप नज़र रख सकते हो और अगर वो सस्ता अभी मिल रहा है तो आप अपनी एनालिसिस करके अभी आप उठा सकते हो या फिर थोड़ा सा रुक के भी उठा सकते हो। दोस्तों विप्रो बहुत टॉप की कंपनी है, चाहे स्लो चलती है लेकिन बहुत टॉप की कंपनी है। और HCL टेक तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कह रखा है कि मेरे पास अभी भी है और मेरा सदाबहार स्टॉक HCL टेक है। तो इन दोनों पे आप अपनी नज़र बना के रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो आता है पेंट सेगमेंट में भी मुझे नेरोलेक और एशियन पेंट जमता है। नेरोलेक की अगर बात करें तो कार्स वगैरह में नेरोलेक यूज़ होता है, जो कि सिर्फ ऐसा नहीं कि घरों में ही यूज़ हो रहे हैं, कार्स में और मोटर व्हीकल्स में और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि चीज़ें बनाती हैं जो कि पेंट की ज़रूरत होती है, पाउडर कोटिंग या फिर कोई भी पेंट होती है, तो नेरोलेक उसमें यूज़ होता है। और एशियन पेंट्स भी सेम काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और एशियन पेंट्स भी अभी नए नए इक्विपमेंट के थ्रू, स्प्रे के थ्रू घरों में पेंट कर रहा है। जैसे कि टीवी में ऐड आता है सबको पता ही होगा कि अपने घर को भी शूटिंग के लायक बना लीजिए, कुछ ऐसा होता है ना। तो नेरोलेक और एशियन पेंट मेरा यहाँ पर पिक काफ़ी बढ़िया पिक है। आप अपना एनालिसिस, अपना फंडामेंटल एनालिसिस को भी चेक करिए, वैसे मैंने चेक किया हुआ है, ये दोनों मुझे अच्छे लगे, नेरोलेक और एशियन पेंट, इनकी डिमांड्स आने वाली है दिवाली में। एंड तीसरा जो होगा सेगमेंट वो मेरा इलेक्ट्रिकल एंड लाइट्स होगा। इलेक्ट्रिकल एंड लाइट्स में देखिए, इलेक्ट्रिकल्स एंड लाइट्स, लाइट्स में सिस्का LEDs बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बजाज इलेक्ट्रिक भी है, बजाज इलेक्ट्रिक में फैंस वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन हैवल्स जो है वो ऑल ओवर चीज़ें प्रोवाइड करता है। हैवल्स का आप अगर चेक करोगे, आप हैवल्स की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर वो LED बनाते हैं, लाइट्स बनाते हैं, आजकल पैनल लाइट्स आते हैं वो बनाते हैं, और अभी तो चाइनीज़ को बायकॉट कर रहे हैं लोग, तो हैवल्स भी और भी तरह तरह की लाइटिंग्स निकाल रहा है जो कि दिवाली में यूज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं हैवल्स चुनिंदा रहेगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि एक बार हम खरीद ले तो उसकी गारंटी वगैरह मिले। थोड़ा सा महंगा जरूर पड़ता है हैवल्स का कुछ चीज़, लेकिन लाइफ टाइम के लिए बढ़िया, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, लॉन्ग लाइफ चलता है उसका प्रोडक्ट, तो हैवल्स को प्रेफर करेंगे लोग। हैवल्स के फैंस वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, हमारे घर में भी हैवल्स का फ़ैन लगा हुआ है, तो ये लोग प्रेफर जरूर करेंगे हैवल्स को। बजाज इलेक्ट्रिक भी मैं कह सकता था लेकिन बजाज इलेक्ट्रिक से ज़्यादा मुझे हैवल्स लगा, तो आप कहीं ना कहीं हैवल्स को भी अपने माइंड में रख सकते हो। सेम अगर मैं बाइक्स की बात करूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाइक्स में तेजी आती तो हीरो मोटर को वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, हीरो मोटर को आपकी परचेजिंग कर सकते हो।
अगर कार्स वगैरह में देखना है तो आप मारुति सुजुकी देख सकते हो, लेकिन हीरो मोटर को आप मेरा चुनिंदा है, और मारुति सुजुकी हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा तेज़ी ना देखने को मिले, क्योंकि कार खरीदने के लिए अभी लोग इतने सक्षम नहीं हैं, कहीं ना कहीं वो ड्रॉबैक में है, उनको लॉस लगा है बिजनेस लॉस। देखिए कार कौन खरीदता है, जॉब वाले तो बहुत कम ही खरीदेंगे, ज़्यादा बिजनेसमैन खरीदते हैं, तो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं घाटे में चल रहे हैं अभी, उनको कोरोना के वजह से लॉसेस लगे हैं, टैक्सेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सिर पे है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स है, इसलिए अभी कार्स में इतनी ज़्यादा सेल्स मुझे नहीं लग रही है, लेकिन हीरो मोटरसाइकिल जो बाइक्स वगैरह है उसमें तो तेज़ी आने की संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों ये वीडियोस थे, ये वीडियो है हमारा, और कोई ज़्यादा मुझे इसमें लग नहीं रहा है। बाकी आपको अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई स्टॉक मैं भूल गया हूँ या मैं नहीं ऐड किया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि सर आप ये भी स्टॉक पिक कर सकते थे। वैसे हाँ, एक और मैं सेगमेंट यहाँ पर लूँगा, FMCG। देखिए यहाँ पे इसेंशियल चीज़ें लोग खरीदते ही खरीदते हैं, FMCG में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, आप FMCG को देख सकते हो, ITC देख सकते हो, ब्रिटानिया देख सकते हो, कोलपल देख सकते हो, तो काफ़ी कंपनीज हैं, आप उनमें से काफ़ी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप उसमें सेलेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।